सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 22 अगस्त और आज रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। आज काफ़ी खुशी का त्यौहार है, काफ़ी अच्छे से मनाएंगे हम। और अभी मतलब रेडी हो चुके हैं हम नानी के घर जाने के लिए, और सारे लोग नानी के घर जा रहे हैं पापा को छोड़ के, और क्योंकि पापा को दुकान पे जाना है तो बाकी हम लोग नानी के घर जा रहे हैं अपनी एक्टिवा पे और अपनी डोमिनार पे। अभी तक तो ये था कि मम्मी जा रही है अकेली बस, लेकिन बाद में हम लोग भी जाने लगे और घर पर करेंगे। 11 दोपहर तक का टाइम है और आराम से जाएंगे, घूम घाम के आएंगे, फिर पतंग उड़ाएंगे ऊपर और थोड़ा सा ब्लॉग शूट करेंगे। और बुआ जी अभी घर पे आ गई हैं तो पहले उनसे राखी बनवा लेते हैं और सिस्टर से भी राखी बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे मिलते हैं रोड पे। बुबी हैप्पी रक्षाबंधन। क्या गिफ्ट लाई है मेरे लिए आज तू? मैं लाया हूँ तेरे लिए। बुआ जी हमारे पापा को राखी बांधती हुई अभी। जैनी, जैनी को क्या हो गया? जैनी बाबू, जैनू रेडी हो जा बाबू, तू राखी नहीं बांधेगा मेरे? अरे जग रहा है, जग रहा है। जैनी को बुखार आ गया लग रहा है मुझे। ओए आ जाओ, ये अंगड़ाई लेने दो, हट जाओ, हट जाओ, अंगड़ाई लेने दो। खा खा के ढोलक हो गई है पूरी। अरे कालो हुआ, कालो ये अब लग गया भैया के टीका। हाँ हाँ देख लिया हमने, ये लाए हैं। चलो गिफ्ट सेशन कंप्लीट होता हुआ अब हम बनवाते हैं राखी भूबी और निशु से। तो गाइस बुआ जी ने राखी बांध दी है और अब बारी है निशु और भूबी की, उसके बाद से निकलेंगे नानी के घर, फिर मिलते हैं आपको सीधा रोड पे, राखी बनवाते हैं सीधे और फिर मिलते हैं रोड पे सीधा। बारी है भूबी की, या भूबी की बारी है, भूबी की अब बांधने की राखी। हाँ हाँ आपकी भी आ रही है। आ गई जेनी आओ, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, सबसे बड़ी हालती है घर के अंदर मेरे बाद। तो बंद गई राखी, बंद गई राखी बाबू के। फिर सबको दक्षिणा मिलती हुई, कितने मिल गए? 50-50 इधर भी मिलेंगे, इकट्ठे कर ले सारे, आधे आधे। सो गाइस राखियां बन चुकी हैं, सभी लोगों ने बांध दी हैं और मेरे ऋषभ के और हर्षित के सभी के बन चुकी हैं। और अब सीधे चल रहे हैं नानी के घर, चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे नानी के घर और डोमिनार से और एक्टिवा से जाएंगे हम लोग आज। और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए बिना मत जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, आगे अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
गाइस फाइनली हम नानी के घर पहुंच चुके हैं अभी, और हमें अप्रॉक्स एक घंटा लगा यहाँ पहुंचने में। और अभी मम्मी मामा के राखी बांध रही है और फिर यहाँ से खाना गुना खा के सीधे निकलेंगे घर। हो सकता है खाना ना भी खाएं क्योंकि देर हो जाएगी जाने में, तो खाना ना भी खाएं। ये मेरी नानी का जो घर है वो पड़ता है भूजपुर आशा गाँव में, ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और काफ़ी फेमस गाँव है। यहाँ पर एक माता का मंदिर है, भूजपुर वाली मैया का मंदिर है, तो काफ़ी फेमस है वो मंदिर। यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, हरियाणा, दिल्ली, और मतलब काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं मैया रानी के। मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ था नानी के घर पे, और मेरे भाई बहन का जन्म हमारे घर हुआ था बिलासपुर सिटी में। मैं दिखाता हूँ आपको मेरी नानी का घर और आसपास के गाँव और खेत वगैरह, यहाँ पे मेरा पूरा बचपन बीता है यहाँ पे। और काफ़ी मतलब जब भी मैं आता हूँ एक अटैचमेंट सी, बहुत फीलिंग सी आती है यहाँ पे कि मतलब पूरा मेरा बचपन यहाँ पे बीता है, तो काफ़ी आनंद में रहता है यहाँ पे। और काफ़ी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मैंने यहाँ पे बिताई हैं अपनी, जब बचपन में मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तो मैंने अपने बचपन में गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पे बिताई हैं। एक एक महीने रहा हूँ मैं यहाँ पे नानी के घर पे, और मैं दिखाता हूँ आपको नानी के घर अपना। गाइस यहाँ पे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे इतना डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। और गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ सामने वो माता का मंदिर है, चोटी दिख रही है उसके पीछे वाला मंदिर माता का है, वो जो चोटी दिख रही है सामने वो भैरव बाबा का मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है जून जुलाई के टाइम पे। ये मेरी नानी का घर है, मेन घर है रहने वाला वो अंदर है मंदिर के पास में। ये हमारा ले आया है पतंग, ये भी पतंग उड़ाएगा यहाँ पे भी, ये नहीं मानेगा। चलो भाई उड़ाओ तुम पतंग। हैं रील नहीं है इसकी? अरे बिना रील के कैसे उड़ाओगे? सो गाइस ये देखिए हमारी छत के ऊपर, ये देखिए गाइस कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं आगे पीछे सब जगह। ये देखिए हनी भैया मुझे आवाज दे रहे हैं पता नहीं क्यों, और हमारे भैया भी अभी देखेंगे। भैया इधर देखो। तो गाइस अभी हम लोग नानी के घर से आ गए हैं और अब हम छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। हवा तो बहुत ही कम चल रही है, लेकिन कोशिश करेंगे पतंग उड़ाने की, तो एक एक की सफा कर देंगे आज बिल्कुल। ये काटेंगे सबकी। सो गाइस मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए उस साइड कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही, उस साइड भी उड़ रही है, इस साइड बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। और गाइस अभी पीछे पीछे देखिए, पीछे तो एक भी नहीं है गाइस। तू क्या कर रही है? एक भी नहीं है। इस साइड आगे देखिए, आगे ये देखिए गाइस यहाँ पे भैया की पतंग अटक गई है। पतंग पार नहीं हो रही, हमारी पतंग तो यहाँ पे ही उड़ाने के चक्कर में पतंग अटका ली। तो उधर उधर साइड भी कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, और ये हमारी पतंग फंसी थी तो ये निकाल के दे रहे हैं प्रांशु भैया। ये देखिए गाइस उड़ गई नहीं उड़ी। सो गाइस ये हमारी दीदी आते हुए जीना पे से एंट्री कर दी है महारानी साहिबा ने। सो इधर देखिए ये हनी भैया छत पे अपनी पतंग उड़ाते हुए। और गाइस वो हमारा स्विमिंग पूल अभी तक फूला रखा है, हमने पानी नहीं फेंका है, उसका सारा पानी गंदा हो गया है, तो जिस दिन भी हम नहाएंगे तो पानी निकालेंगे। सो गाइस तो उस दिन की वीडियो भी बनाएंगे हम। गाइस इधर देखिए दीदी के पीछे जैना भागती हुई, तो देखो स्विमिंग पूल के पीछे चले गई है वो। और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी बहुत सारी पतंगे हैं, ये देखिए हमारी पतंग अब उड़ चुकी है आसमान में। गाइस हमारी उड़ गई पतंग आराम से, अब सफा कर देंगे की पहले पार तो कर लो ढंग से, तभी तो सफा करोगे। भाई सफा बहुत कम चल रही है, पतंग उड़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे भी दे दो एक आध। अभी दीदी भी पतंग उड़ाने लगी है। देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं। चलो। ओके दीदी सिखाओगी? पहले खुद तो सीख लो आप। ऐसे रखिए। हाँ। ओके वहाँ नहीं, वहाँ मिट्टी है गंदी जगह। हाँ ओके ऐसे रख ली गाइस, देखते रहे ना दीदी का मुंह भी देख लो एक बार। हाँ गाइस देखिए ऐसे उड़ाते हैं ऐसे पतंग, बहुत मस्त दीदी, कितना कितने मजे वाली पतंग उड़ाई है। नहीं नहीं सच्ची में कह रही हूँ, बहुत गजब। देखो एक ऐसे रखेंगे, फिर पतंग मंजा मत कुचल, मंजे पे से पैर हटाओ भैया। यार ये पतंग तो उड़े नहीं रही, इतनी छोटी पतंग कौन उड़ाता है? सो गाइस ये मैं अपने लिए लाई थी, मुझे बड़ी पतंग उड़ानी नहीं आती, जो कोई पार करके दे दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो भैया पेच करेंगे, क्योंकि देखिए आसमान पूरा भर चुका है ये पतंगों से आगे का, और हमारी पतंग तो दिखी नहीं रही है कहाँ है। पसीने आ गया, पतंग उड़ाते उड़ाते मुझे पार नहीं हो रही, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। शाम के बज रहे हैं 7, और अभी हम लोग आए हैं ऊपर आने के घर से, आने के बाद गाड़ी वाड़ी धोई, उसके बाद टाइम हो गया काफ़ी, और हवा तो चल नहीं रही है बिल्कुल आज, तो हम लोगों ने पतंग उड़ा रखी है। हमारी पतंग देखो उड़ रही ग्रीन सबसे ऊपर, बिना हवा के भी सबसे ऊपर पतंग उड़ रही है हमारी। आई होप यहाँ से दिख रही होगी, वो दिख रही है ऊपर ग्रीन वाली, वो हमारी पतंग है। और अभी देखो उड़ाते हैं, काटते हैं दूसरे की, सबकी काट लेंगे आज। मंजा भी तगड़ा वाला लेकर आ रखे हैं हम।
से उड़ रही है हमारी पतंग ग्रीन वाली। पहले रखते हैं ऐसे नीचे। यो हो 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 हो, प्रो पतंग फ्लायर हमारा ये पतंगबाज। एक काम करते हैं, दूसरी पतंग भी मारते हैं। उड़ा उड़ा। यो नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी। देखना दीदी अभी तेज आ रूम में, तेज आ सबसे बड़ी। कितनी ऊपर गई, कितनी ऊपर? देखो चांद बादल पार। हाँ बूवी, बूवी बैठ के जा रही है उसके ऊपर। एरोप्लेन टकराने वाला है, बस क्रैश होने वाला है। हर्षित तुम्हारी पतंग कहाँ है? तो फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं हम लोग, और नानी के घर से घर पे आ चुके हैं हम लोग, और अब चलते हैं सीधे शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा शाम के बज रहे हैं 7:30, और नानी के घर से हम लोग आ गए थे 12 बजे दोपहर में ही, और उसके बाद से हम लोग थोड़ा सो लिए थे, थक गए थे काफी। फिर हम लोगों ने थोड़ा पतंग वतंग उड़ाई शाम के टाइम, और अब बज रहे हैं 7:30। तो चल रहे हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए मार्केट में। आज का दिन काफी बढ़िया रहा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी काफी अच्छा रहा होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग प्लेस पे, रिलायंस ट्रेंड्स पे, अभी जो कि हमारे शहर में नया खुला है अभी अभी, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे छोटे से शहर में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले खुला था पीटर इंग्लैंड का, फिर उसके बाद रिलायंस ट्रेंड्स का। सो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे छोटे से शहर में कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे शहर का नाम हो रहा है। सो चलते हैं सीधे अंदर और करते हैं जो भी शॉपिंग कुछ लेना है हमें, वो लेते हैं चल के। यहाँ पे हमारी भूवी राखी बांधती भैया के। तो गाइस सभी आप लोगों ने देखा, जब हम लोग ट्रेंड से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया थे, उन्होंने भूवी से कहा कि हमारी राखी बांध दीजिए, बिकॉज उनके पास तो राखी उनके घर से डिलीवर हुई होगी ना, तो सुबह से उन्होंने बांधी नहीं होगी या फिर उन्हें टाइम नहीं मिला होगा बांधने के लिए। तो काफ़ी अच्छा सा लगा जब उन्होंने कहा कि हमारी राखी बांध दीजिए, तो भूवी ने उनके राखी टाई अप की, और उसके बाद उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया। तो मतलब एक ऐसा मोमेंट होता है ये, मतलब हमें खुशी मिलती है तो हमें ये काम करने में अच्छा लगता है, तो हमें काफ़ी बढ़िया लगा वो चीज़ ऐसा मतलब करते हुए देखते हुए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज मैं भी घर से अपने 5-6 साल बाहर रहा हूँ, 4 साल देहरादून में रहा हूँ, 1 साल कोटा में रहा हूँ, और बाकी नोएडा दिल्ली में भी मैं काफ़ी रहा हूँ। सो काफ़ी लोग मुझे वहाँ पे भी मिले जिन्होंने मुझे अपनापन दिया, और अपना मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अपनापन है मेरा, खुद का शहर है। तो भैया वो उजानी से थे यूपी के, और उन्हें उनके यहाँ पे सर्विस होगी यहाँ पे, तो काफ़ी दूर थे वो घर से, तो उनके घर उनके लिए यहाँ पे राखी डिलीवर हुई होगी, तो उनको टाइम नहीं मिला होगा बांधने का, तो उन्होंने शाम को भूवी से कहा, तो उसने टाई अप की उनके। तो बढ़िया लगा काफ़ी, मतलब ऐसा देख कर अच्छा लगता है, मतलब कोई अनजान शहर में हम जाते हैं अपनी सर्विस करने के लिए, तो कोई अपनापन सा लगता है, तो अच्छा सा फील होता है, तो काफ़ी बढ़िया लगा। गाइस हम लोग अभी मॉल से निकल के आ चुके हैं ट्रेंड से, और अभी क्या है कि मतलब हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पे ऑफर चल रहा है, और वहाँ पे ये ऑफर चल रहा था कि 3,000 की शॉपिंग पे 2,000 के कपड़े फ्री मिल रहे थे, और ये नहीं है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन कुछ सिलेक्टेड कपड़ों पे था, ऐसा कुछ नहीं था, और 5,000 की शॉपिंग पे 5,000 के कपड़े फ्री मिल रहे थे। तो हमने सोचा यार हम लोग मतलब ऑफर के बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि कल तक हम लोग कन्फर्म कर देंगे कल ऑफर रहेगा नहीं रहेगा। अगर कल तक ऑफर रहेगा तो हम लोग कल आएंगे दोबारा, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है, शोरूम बंद होने का टाइम हो गया है, और अगर कल तक ऑफर रहेगा तो हम लोग कल आएंगे, फिर कल हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे, और जो 5,000 वाला कूपन है ना वो लोग उसकी शॉपिंग करेंगे, और 5,000 की शॉपिंग में 5,000 कपड़े फ्री हैं, 5,000 के प्लस कूपन भी फ्री हैं। तो अगर ये कल ऑफर मिल जाता है हमें तो हम लोग दोबारा से आएंगे कल पे, और हम लोगों ने आज अपने कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो हम लोगों ने जो सेलेक्ट किए थे कपड़े वो हम लोगों ने अंदर रख दिए हैं, और कल आके हम लोग अगर ऑफर नहीं रहता है तो जो हमने सेलेक्ट किए कपड़े वही कपड़े हम लोग आकर ले जाएंगे, और अगर ऑफर रहता है तो फिर और शॉपिंग करने में मिल जाएगी। तो गाइस फिर मिलते हैं, ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ मैं आज का, टाटा बाय बाय। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।